नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के सितारे थोड़े थोड़े गर्दिश में नजर आ रहे हैं। हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है कि सारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हुए नजर आ जाते हैं। अब की बार 400 पार नारा बड़ा अच्छा दिया था प्रधानमंत्री जी ने। गोदी मीडिया दिन रात करके जुट गया कि साहब का हुक्म है तो हमको भी यही ढोल पीटना है। सारे बड़े बड़े चैनल में सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, सारे सारे चैनल जुट गए कि अब की बार 400 पार। गाथाएं लिखी जाने लगी, गोष्ठी होने लगी कि अब की बार 400 पार। सबसे बड़ी निगाह थी उत्तर प्रदेश पर। भक्त दावा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 जीत जाएंगे, 70 से ज्यादा तो जीतेंगे। और जब जयंत चौधरी साथ आए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दी भक्तों ने, दिन रात एक कर दिया। जिन जयंत चौधरी को वो खलनायक बता रहे थे कुछ दिन पहले, जिन जयंत चौधरी की आलोचना कर रहे थे कुछ दिन पहले, उन्हीं भक्तों को जयंत चौधरी में अचानक बहुत प्यार नजर आने लगा, बहुत दुलार नजर आने लगा। वो होता भी है भाई, जब हमारी तरफ आ जाओ, जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ तो कैसे ही दाग हों वो साफ हो जाते हैं। जयंत पे तो चलो इस तरह के दाग नहीं थे, लेकिन एक से एक बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से निकल के आ जा रहे हैं। कांग्रेस के 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शामिल कर लिया। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा बोर्ड लगाए हैं कि भैया कुछ जगह तो ऐसा कर दो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आरक्षित हो जाए। सबके सब कांग्रेसी, सबके सब भ्रष्टाचारी, सबके सब विपक्ष के बेईमान भाजपा में आ जा रहे हैं, भाजपा में सीटें पा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? क्या दरी बिछाते रहेंगे? तो मामला इतना विद्रोह का बनता जा रहा है। अब सारा सीन बिगड़ा उत्तर प्रदेश में आके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के तेवरों ने मोदी जी और बीजेपी की थोड़ा तापमान बढ़ा रखा था। योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली दरबार ने कम परेशान नहीं किया। योगी सरकार पार्ट वन हो या पार्ट टू, बेचारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मन का डीजीपी और अपने मन का चीफ सेक्रेटरी तक नहीं चुन सकते थे। डीजीपी बने भी प्रशांत कुमार, तो वो कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी वही है जो दिल्ली के इशारे पर काम करते हैं। योगी जी बहुत चाहते थे कि मनोज कुमार सिंह सीनियर अफसर हैं वो बन जाए, लेकिन दिल्ली ने अनुमति नहीं दी। पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली के इशारे पर तय हुआ। योगी जी भी कम नहीं, उन्होंने मंत्रियों के पीछे अपने अपने प्रमुख सचिव लगा दिए कि इन मंत्रियों को दिमाग ठीक कर दो। प्रमुख सचिवों ने कई मंत्रियों के दिमाग ठीक कर दिया। मतलब दिल्ली और यूपी की लड़ाई की चर्चा बलिया से लखनऊ तक, लखनऊ से नोएडा तक हर जगह सुनी जाती थी, भाई चर्चा हो रही है। और इस बीच में जहां पहले चरण का चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब यहां से खबर आई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बताया कि पत्ते पिट रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली के कान खड़े हो गए। ये लगा कि अगर जयंत चौधरी के आने के बाद भी पत्ते पिट गए तो फिर दिल्ली सिंहासन दूर हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश ने 25-30 सीटें भी रोक ली तो मोदी जी को कुर्सी केवल सपने में ही दिखाई देगी, हकीकत में कुर्सी खिसक जाएगी। फिर पूछा गया कारण क्या है, तो पता चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 5-5, 6-6 ठाकुर सांसद होते थे, इस बार एक भी टिकट नहीं दिया गया। मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, बिजनौर मंडल, मेरठ मंडल, एक टिकट मुरादाबाद में सर्वेश कुमार सिंह, जो बेचारे की हालत खराब है, लोग मान रहे हैं रेस से बाहर हो गया है, उसको टिकट। सरकार में 5-5, 6-6 ठाकुर मंत्री, इस बार केवल एक मंत्री। तो क्षत्रियों का, जब वीके सिंह का गाजियाबाद का टिकट कटा और गर्ग साहब को मिल गया, तो क्षत्रियों में गुस्सा आया कि इस बार फिर आर पार। मामला अटका मुजफ्फरनगर पर जाके। इलाके के लोग, सारे के सारे लोग, आप कहीं थोड़ा सा घूमिए फिरिए, बताते हैं कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद थे, मोदी सरकार में मंत्री थे, संजीव बालियान जी, उन्होंने सरधना में संगीत सोम को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और संगीत सोम ने कहा अब मेरा नंबर आ रहा है, अब मैं हिसाब किताब बराबर करूंगा। प्रधानमंत्री आए थे,
सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो रहे थे, नमस्ते कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी तक सूचना पता थी, उनको मालूम था कि ठाकुरों में कैसी बगावत है। संगीत सोम के सामने आए, प्रधानमंत्री जी ने लाड़ में एक मुक्का मारा संगीत सोम के पेट में, कंधा झुकाया, फिर एक मुक्का मारा, ये तो मेरा शेर है। बहुत सारे नेता खड़े थे, हमारे मित्र सुनील भराला वगैरह सब लोग वहां मौजूद थे, सबके सामने की घटना। अब प्राइम मिनिस्टर इतना प्यार दिखा दे तो एक चर्चा तो हो ही जाती है। उसके आधे घंटे बाद मेरठ के अफसरों को फोन आया कि मुख्यमंत्री जी तत्काल बात करना चाहते हैं संगीत सोम से। संगीत सोम की एक बैठक हुई वहां के, मुझे मेरठ के पत्रकारों ने बताया, एक कमरे में योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम गए, संजीव बालियान बुलाए गए, दोनों में समझौता कराने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी मेरे सूत्र बताते हैं कि मामला बना नहीं। संगीत सोम ने मना कर दिया कि मैं जाऊंगा नहीं कहीं पर, मतलब अभी तक तो दिखाई दिए नहीं जहां तक मेरी जानकारी है। और ठाकुरों की नाराजगी के बाद जब जाटों में भी नाराजगी हुई, जयंत को लेकर नाराजगी हुई, तो मामला ठनका कि अगर जयंत को ज्यादा भाव दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा खेमा और बगावत कर दे। जो पहली रैली हुई उसमें जयंत चौधरी का एक तरह से अपमान किया गया, बेचारे कोने पे बैठे रहे, जब हल आया तो हल भी एक कोने से पकड़ाया गया, उनको कहीं जगह पे दिखाई नहीं दी। और आज प्रधानमंत्री जी सहारनपुर में थे, बिजनौर में थे, मीटिंग थी कैराना में थे, सहारनपुर कैराना में थे, बिजनौर में योगी आदित्यनाथ की बैठक थी। जयंत चौधरी ने बड़ी तैयारी करी थी, मतलब बड़ा मुंह साफ कराया होगा, फेशियल कराया होगा, स्मार्ट तो है जयंत चौधरी, नौजवान है, अच्छे सुंदर लगते हैं, चेहरा वेरा चमकाया कि प्रधानमंत्री जी के सामने जाना है, बढ़िया कपड़ों पे प्रेस रेस कराई, लेकिन सूत्र बताते हैं मना कर दिया गया कि आपको रैली में आने की जरूरत ही नहीं। जयंत चौधरी को ठंड में भी पसीने का एहसास और गर्मी में तो और पसीने का एहसास जो होता है वो हो गया। कहा गया जयंत चौधरी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, और फिर जयंत चौधरी समझ गए कि उनके संग खेला हो रहा है। तो उनके समर्थकों ने कहा कि अभी भी क्या दे रहे, चवन्नी एक बार फिर पलट जाए, और अगर चवन्नी पलटी तो इस बार कोई इतिहास ना लिख दे, इस बार कोई क्रांति ना कर दे। क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालात, इस विषय पे मैं बात करूंगा। मेरे संग दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, एक ऐसे नेता, एक ऐसे किसान नेता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत योग्य हैं, उनके लिए बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत पकड़ रखते हैं, ऐसे पुष्पेंद्र जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं राशिद जहीर जी, आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे चैनल पे भी राशिद भाई के आकलन देखते रहते हैं, बहुत पकड़ है राशिद भाई को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की नब्ज टटोलते रहते हैं, वहाँ के नेताओं से पत्रकारों से संवाद करते रहते हैं। तो ये खास मेहमान है, हम अगले कुछ देर तक चर्चा करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की। फिलहाल मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ आपको, एक ट्वीट देखिए जयंत चौधरी ने ट्वीट दिया, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है जयंत चौधरी का ये ट्वीट देखकर। उन्होंने लिखा, उन्होंने ये होर्डिंग लगाया था, सॉरी ट्वीट में बाद में दिखाऊंगा, उन्होंने होर्डिंग लगाया था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष सांसद चौधरी जयंत सिंह की संयुक्त विशाल जनसभा दिनांक 6 अप्रैल को रविवार को, शनिवार को समय प्रातः 9:10 बजे से निकट रेनबो स्कूल दिल्ली सहारनपुर, आप सादर आमंत्रित हैं। अब ये वो वाली बात हो गई कि मेरे घर में दावत है, मैं आपको न्योता दे दूं कि वही मेरे घर में दावत है और एंड टाइम पे मैं घर से गायब हो जाऊं। ये होर्डिंग लगे हुए थे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये होर्डिंग लगे हुए थे सहारनपुर में, ये होर्डिंग लगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, ये होर्डिंग लगे हुए थे मेरठ में। मेरे कहने का मतलब है जहां जहां जयंत चौधरी का जनाधार है, जहां जहां लोकदल का जनाधार है, वहां वहां जयंत चौधरी ने ये होर्डिंग लगा रखे थे, भाई प्रधानमंत्री जी की और जयंत चौधरी की साझा रैली है। जयंत चौधरी ने बड़े जोर शोर से अपने लोगों से कहा था, देखना कल प्रधानमंत्री जी मेरा कितना सम्मान करेंगे, कितना मान करेंगे। और जयंत चौधरी बड़े गदगद थे, भाई किसी भी नेता को जब मंच साझा करने का मौका मिलता है देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो उसकी खुशी लाजमी है। और ऐसा ही ट्वीट उन्होंने इस होर्डिंग के बाद एक ट्वीट भी किया है जयंत चौधरी ने, और उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय लोकदल ने ट्वीट किया, कल सहारनपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष सांसद माननीय चौधरी जयंत सिंह जी सहारनपुर की जनता के बीच उपस्थित रहेंगे और संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। मैंने कहा ना, ये बहुत मन के संग
होर्डिंग लगाए गए, बहुत मन के संग ये ट्वीट लगाए गए। और अब सोचिए ये जो न्योता दिया जयंत चौधरी ने, ये जो सबको कहा कि सुनने आइए, हर जिले से बसें तय हो गई थी, हर जिले से ट्रैक्टर तैयार हो गए थे, कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिए गए थे, तैयारी हो गई थी, जो भोजन पानी पैसे की व्यवस्था करनी है वो कर दी गई थी, सब जगह इंतजाम कर दिए गए थे कि जयंत चौधरी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के संग तो वहां हरी पगड़ी नजर आनी चाहिए, हरे झंडे नजर आने चाहिए, कार्यकर्ताओं को झंडे भिजवा दिए गए, टोपी भिजवा दी गई और एंड टाइम पे दूल्हा गायब। सहारनपुर की रैली में जो लोग पहुंच भी गए वो दूरबीन लगा के जयंत चौधरी को देखते रहे, वो दूरबीन लगा लगा के ढूंढते रहे मंच के आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं दाएं बाएं, कहीं तो जयंत चौधरी नजर आ जाएं, नजर नहीं आए। बात आई कैराना की, कैराना में भी जयंत चौधरी गायब। मामला यहीं नहीं रुका, इसके बाद बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रैली संबोधित करना था। अब यह तय हुआ था कि प्रधानमंत्री की कैराना रैली के बाद हेलीकॉप्टर से, मुख्यमंत्री की हेलीकॉप्टर से जयंत चौधरी बिजनौर आ जाएंगे, क्योंकि बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी है चंदन चौहान। लेकिन सबको सांस सूंघ गया जब मुख्यमंत्री तो आए और जयंत चौधरी गायब। कार्यकर्ता परेशान, कार्यकर्ता बेहाल, किसी को समझ नहीं आया कि हमारा नेता गया कहां, गायब हुआ तो गायब हुआ कहां। सारे लोग परेशान कि जयंत चौधरी को आखिर हुआ क्या। किसी से कहा गया मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, किसी से कहा गाड़ी खराब हो गई थी, किसी से कहा बस खराब हो गई थी, और सबके सब ट्विटर पर ढूंढ रहे थे कि जयंत चौधरी कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बताएंगे। पता चला 24 घंटे से जयंत चौधरी ने कोई ट्वीट ही नहीं किया, तो फिर लोगों को लगा कि क्या इस बार फिर चुनाव से पहले चवन्नी पलट गई। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके आप तो बहुत एक्टिव हैं, आप ही बता दीजिए कि जयंत चौधरी के इतने होर्डिंग, इतने प्रचार, ये जो आप बोल रहे थे बहुत दिनों से कि जाट नाराज हैं अपनी महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न से, उनके दुर्व्यवहार से, तो क्या प्रधानमंत्री जी को भी समझ गया कि जयंत चौधरी को पटाने के चक्कर में कहीं और वोट ना पटे जाए, खिसक जाए, तो क्या इसलिए बीजेपी ने मना कर दिया, या जयंत चौधरी ने भी देख लिया कि यहाँ तो बीजेपी बहुत हो रही है, उधर सम्मान ज़्यादा है, हालात उधर ज़्यादा बढ़िया बन रहे हैं, मुजफ्फरनगर के हालात देख के, मेरठ के हालात देख के समझ गए जयंत की इस बार मामला 400 पार नहीं, मामला 200 पार पे भी अटक रहा है, तो चलो पुराने घर। चवन्नी किधर है, चवन्नी का रुख किधर है इस बार पुष्पेंद्र सिंह जी? देखिए संजय जी, आज पूरे दिन जो है अफवाहों का एक बाजार गर्म रहा, कयास लगाए जाते रहे, क्योंकि ये जो ट्वीट आपने दिखाया था ये कल शाम को ही ऑफिशियल हैंडल से राष्ट्रीय लोकदल के किया गया था कि जयंत चौधरी जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करेंगे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां पर मंच पर योगी आदित्यनाथ भी होने थे। अब ये दोनों लोग तो वहां पर सहारनपुर में थे, जो सहारनपुर की और कैराना इनकी ज्वाइंट रैली थी, वहां पर जो इनके कैंडिडेट हैं दोनों जगह बीजेपी के पास है वो सीट, तो प्रदीप चौधरी जो कैंडिडेट है कैराना से वो भी वहां मंच पे थे, प्रधानमंत्री और योगी जी तो थे ही थे मुख्य अतिथि के रूप में, और उनके साथ साथ जो राघव लखनपाल जी हैं वहां के सहारनपुर के कैंडिडेट भाजपा के वो भी मौजूद थे। लेकिन इनके साथ का जो गठबंधन का के प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये सारा सारा इलाका वेस्टर्न यूपी जो है मुख्य रूप से जो गठबंधन किया गया है राष्ट्रीय लोकदल से, वो इसीलिए किया गया है कि भाई गठबंधन के साथ ही हमारे जो है इनसे हमें लाभ हो, केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल बागपत और जो जो बिजनौर सीट है केवल इसी पर जयंत चौधरी को जाना है और कहीं नहीं जाना। तो जो इनकी एक तो मेरठ की आपने बैकग्राउंड बताई, मेरठ में भारी बेइज्जती इनकी हुई, और उसके बाद इनको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई ज्यादा तवज्जो भाजपा या प्रधानमंत्री आपको नहीं देने वाले, उसके बावजूद भी क्या खबर इनके पास थी जिसके आधार पर इन्होंने जो है उसकी तैयारी की। लेकिन चर्चाएं हैं, क्योंकि बताता तो कोई व्यक्ति है नहीं कि वास्तव में किसने किसके कान में क्या कहा, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि उच्च सोर्सेस से बता दिया गया कि भाई इनकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता उस इलाके में नहीं है। हालांकि कैराना तो ऐसा क्षेत्र है, आपको याद होगा कि उपचुनाव जब 2018 को हुआ था तो तबस्सुम
जो है वो इन्हीं की कैंडिडेट वहां जीत गई थी, और कैराना में पहले से है जो है राष्ट्रीय लोकदल के कई बार अनेकों बार सांसद भी रहे हैं, तो प्रभावशाली क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये इनके जाने से कोई नुकसान होता, लेकिन भाजपा में कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि भाजपा ने जब से जयंत चौधरी को अपने साथ लिया है बहुत बड़ा लाभ इनसे नहीं हो रहा है। तो एक तो इन्होंने इनको सीमित कर दिया कि बागपत में और आप जो है यहाँ पर बिजनौर में रहिए। उसके बाद जो कार्यक्रम खत्म हुआ वहां से सहारनपुर से, तो प्रधानमंत्री जी का अजमेर कार्यक्रम था वो तो वहां चले गए, और योगी जी अपना जो है सहारनपुर बिजनौर चले गए। बिजनौर लोकसभा में ऑलरेडी चंदन चौहान जैसा आपने बताया राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट है, और वहां योगी जी आए हुए हैं, तो उस सभा में भी जो है ये नदारद रहे जयंत चौधरी। उसके बाद नगीना में वो गए, नगीना में भी वो क्योंकि वहां थे ही नहीं तो वहां जाते कैसे। अब ये तरह तरह की बातें कि भाई गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी तो खराब होने का कोई किसी किस्म का सवाल बड़े नेता का होता ही नहीं, उनके आगे पीछे कई गाड़ियां चलती हैं, अगर एक गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो फट से दूसरी गाड़ी चेंज करके आप पहुंच सकते हो, इसमें कोई मतलब ये तो केवल कहने की बात है। और हमारी कई पत्रकारों से बात हुई, इनके कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो ये सब लोग गोल मोल जवाब देते रहे, किसी को कुछ नहीं पता ये वहां क्यों नहीं गए। और उसके बाद अपने ही कैंडिडेट के लिए, चलिए कैराना में एक बार, सहारनपुर में आपको का कैंडिडेट नहीं है, कैराना में आपका कैंडिडेट नहीं है, उसकी सभा सहारनपुर में थी ज्वाइंट तो चलो नहीं गए, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो मुर्दा भी जीवित होकर के चल देता है। ये बहाना भी लगाया जा सकता है कि अचानक जो है कोई बीमार पड़ गया था, या बड़े बुजुर्ग है तो इनको बहुत ज्यादा ऐसी भी कोई खबर नहीं है, तो जवान आदमी है खुद बताते हैं उस सभा में, कह रहे भाई मैं भी अपना जो है पटकनी मार सकता हूँ, मैं भी पहलवानी और वो डोले शोले बनाता हूँ। तो ये तो हष्ट पुष्ट आदमी है, किसी हालत में भी वहां ना जाने का एक ही कारण है कि कहीं पीएमओ की तरफ से या भाजपा की तरफ से इशारा हुआ है इनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। ये दो तीन रैली आपने इनके साथ कर ली, एक रैली मेरठ में हो गई, बाकी कल जो बागपत में रैली हुई है वो रैली भी हो गई है, तो अब इनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, इनको सीमित करके जहां ये है वहीं रखिए, उसके बाद धीरे धीरे इनको जो है सिकोड़ने का काम कर किया जाएगा। तो इसलिए जो भारी किरकिरी इनकी हुई है अब ये जवाब देने लायक नहीं है, और कल मुझे जो जानकारी है कई अखबारों में भी इस विषय में जो है बड़ी चटपटी हेडलाइन छपने वाली। जी आपने कह दिया, आग लगा दी, अब बेचारों को किनारे कर भी रहे होंगे तब भी अगली बार मोदी जी अपने संग हवाई जहाज में बढ़ा के ले जाएंगे, योगी जी भी ले जाएंगे, ये मैसेज चला गया तो तब मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये मैसेज नहीं जाना था, चुपचाप काम होना था, लेकिन 4 PM ने ये खुलासा कर दिया, पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर ये बात सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी चैनल ने या गोदी मीडिया के चैनल और कोई होता ब्रेकिंग खबर आती कि मोदी जी के मंच से गायब रहे जयंत चौधरी, क्या पलट गई चवन्नी, लेकिन प्रधानमंत्री का मामला है, बीजेपी का मामला है, तो गोदी मीडिया के आवाज नहीं निकल सकती। राशिद भाई, एक गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरी गाड़ी खराब हो जाए तीसरी गाड़ी, सूचना भेज दो तो सरकार का हेलीकॉप्टर, सब हाजिर हो जाता 15 मिनट के अंदर, हेलीकॉप्टर आधे घंटे के अंदर हाजिर हो जाता, गाड़ी खराब हो, बीमार हो, छेर आता। और सबसे बड़ी बात, पिछले 24 घंटे से जयंत चौधरी ने ट्वीट ही नहीं किया है, उन्होंने बताया ही नहीं। अगर आप बीमार हो, गाड़ी खराब हो गई, तो आदमी ट्वीट करेगा कि मुझे प्रधानमंत्री की रैली में जाना था, मैं बीमार हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, बताएगा, ट्वीट ही नहीं किया। जानकारी नहीं है कि जयंत चौधरी कहाँ चले गए, आसमान में चले गए, पाताल ने ली लिया, कहाँ है वो, लोग परेशान हैं, पार्टी के लोग बेताब हैं कि हमारे नेता को हुआ क्या। राशिद भाई, क्या चवन्नी पलटने की तैयारी में है? संजय सर, बात यह है कि तैयारी तो उनकी पूरी थी, उनका ट्वीट होना, उनके राष्ट्रीय जो उनका एक्स का हैंडल है, इसका मतलब ये है, जैसा आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि कपड़े वगैरह सब प्रेस थे, और प्रधानमंत्री जी का बुलावा हो, यहाँ तमाम रैलियां 2014 से मैं प्रधानमंत्री जी की खुद कवर करता हूँ, एक एक चीज इतनी मुनज्जम होती है, प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, कौन सी सीट है, अलग उनका डायस बनता है, वो उस माइक पर बात भी नहीं करते जिस पर योगी आदित्यनाथ जी या बाकी वक्ता करते हैं। तो एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी की, सत्ता पक्ष हाथ में है, पैसा मजबूत हाथ में है, सब कुछ चीजें हैं तो बड़ी मुनज्जम होती हैं, ऐसा लगता है कि वाकई सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो ये तो संभव है नहीं कि वो ट्विटर पर डालें, एक्स पर डालें, इनवाइट करें और जो है खुद ही ना जाएं और फिर गाड़ी का बहाना आए। बिल्कुल साफ बात है, कैराना की बात मैं आपको बताता हूँ, जमीनी बात, मेरे सारे पत्रकार वहां मौजूद है, मैंने बात की उनसे, वहां के जाटों में इतनी ज्यादा नाराजगी है, वो ये कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दे दिया, कुछ बाद में दे देते
लेकिन जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वहां के नए लड़के जवान लड़के कह रहे हैं कि बराबर जो ये पेपर आउट किए जा रहे हैं हमें नौकरियों में मौका नहीं मिल रहा है। इतनी ज्यादा मुखालफत हो चुकी है खास करके जयंत चौधरी की कि जब से इन्होंने गठबंधन किया वो समझ रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा हम जाए तो कहाँ जाए। इकरा हसन के वहां चांसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि जाट लॉबी इकरा हसन को सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। वहां पुराने पुराने जितने देखिए वहां जो पुराने लोग हैं जितने चेयरमैन वगैरह होते हैं और प्रधान होते हैं उनकी बात में संजय सर बहुत वजन होता है। हमारे पश्चिम के अंदर एक बात हकीकत है कि गांव का कस्बे का बड़ा आदमी अगर कुछ बात बोल देता है ना तो उसके पीछे सब लोग चले जाते हैं। ये आज भी वैसे है, कैराना के अंदर से मैसेज है बाकायदा आला कमान को कि अगर जयंत चौधरी यहाँ आते तो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां के जमीन पर इनकी बहुत ज्यादा मुखालफत है। तो जाहिर सी बात है गाड़ी खराब होने की तो बात छोड़ दीजिए, अपने कैंडिडेट को बेयारो मददगार छोड़ गए। वो एक शेर है किसी ने कहा कि वो आए बज्म में, अब कौन आए वो तो आपको मालूम है, वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद ये हुआ प्रधानमंत्री जी तो आ गए लेकिन उनके सारे चराग बुझ गए। अब हुआ यूं है कि जयंत चौधरी को एक्चुअली कहीं ना कहीं से इशारा है, हमारे पास कोई आधिकारिक देखिए ऐसी खबर नहीं है कि हम अपनी तरफ से बात कह दें, लेकिन जो कयास निकल कर आ रहे हैं जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उसके बारे में है कि जिस तरह से मेरठ में उनके साथ व्यवहार हुआ वो भी भूल गए थे। सच बात यह भी है क्योंकि अब कहाँ जाएंगे, पिछली जो कश्ती जलाकर आ गए अब तो लड़ना ही है इसमें, कहाँ जाएंगे बताइए। अखिलेश यादव से किस मुंह से कहेंगे कि साहब छोड़ दीजिए बात गलत हो गई, अब तो बचा ही नहीं ना, पिछले घर में आग लगाकर आप आए हैं। तो अब वहां से इशारा आया कि प्रधानमंत्री जी को अंदाजा है, लोग भी यही कह रहे हैं। मैंने अपने पत्रकारों से बात की, सहारनपुर में मैंने बात की, उसने कहा साहब गाड़ी खराब हो गई थी, अब बताइए पत्रकारों को ये वाली बात बताई जा रही है आजकल के डिजिटल युग में कि गाड़ी खराब हो गई थी। प्रधानमंत्री जी की रैली अगर हो मुझे ही बुलाया जाए तो आप यकीन मानिए मैं 2 दिन पहले चला जाऊंगा वहां। सही बात है ओरिजिनल बात है। तो वहां से इशारा है बहुत ज्यादा मुखालफत है। और संजीव बालियान ने भी कह दिया कि यहाँ पर आज के टाइम में जाट मैं ही हूँ, बस मैं तो उनके फादर तक को हरा चुका हूँ, कोई मसला नहीं है। और फिर वो जो बेचारे वो बड़े अच्छे परिवार से हैं जो क्या कहते हैं बिजनौर के जो चौहान साहब हैं, बड़े शानदार परिवार से हैं, बहुत उनका जो है लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, वो भी बड़े परेशान थे। वो अब्दुल्ला की शादी में वो कहते ना बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए, कह रहे भाई मेरा आदमी कहाँ है, मैं किसकी माँ को मांगा हूँ, यहाँ पर तो जयंत चौधरी नजर नहीं आ रहे, क्या करें। तो सर ये एक्चुअली बाहर से ही ऊपर से कोई इशारा ऐसा आया कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब होगी हम बता देंगे। शुक्र समझो बागपत में नहीं थे वरना डॉक्टर राजकुमार सांगवान मुंह दिखाने लायक नहीं रहते बेचारे। देखो ठीक बात है, एक बात बताइए राशिद भाई, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि उनके पिताजी को वालियान ने कहा कि मैंने हराया था, ये बात कहीं ना कहीं टीस में तो होगी, हर बेटे के दिमाग में होती है, मेरे पिता को कोई हराएगा तो मेरे दिमाग में टीस तो रहेगी। तो बालियान को दिमाग में ये है कि जयंत चौधरी आ गए तो बड़ा जाट नेता कौन, और बालियान अगर इस कद में लेके जयंत का कद कम करने में लगे हैं तो क्या माना जाए कि सारे जाट भी अगर बालियान को नहीं मिल रहे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरह से संगीत सोम और सारे ठाकुर नेता बालियान का विरोध कर रहे हैं उससे मामला गड़बड़। तीसरी बात, विधानसभा चुनाव में संजीव बालियान ने ब्राह्मणों के लिए एक बहुत अपशब्द कहे थे, हम लोगों ने चलाए थे उसमें, और पूरे फिर ब्राह्मण परिषदों पूरे ब्राह्मण सम्मेलनों ने ये बात कही गई, बालियान ने माफ़ी मांगी, लेकिन मुंह से निकल गया जो तीर, कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकले हुए शब्द वापस तो होते नहीं है, जो ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दे दी वापस तो होता नहीं है। तो मेरे को ये पता चला कि मुजफ्फरनगर के ब्राह्मण ठाकुर ये बालियान के खिलाफ, और क्षत्रिय मजबूत कौम तो होती है और बहुत है मुजफ्फरनगर में, तो क्या बालियान साहब इधर तो इनको किनारे कर रहे हैं, उधर ये भी बालियान को निपटाने में लगे हैं, उधर क्षत्रिय ब्राह्मण भी मुजफ्फरनगर में जो हुए हैं कि इस बार बालियान को ठिकाने लगाना है, पिछली बार ही बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, तो क्या माना जाए कि मुजफ्फरनगर और प्लस मेरठ में जो एंड टाइम में समाजवादी पार्टी ने खेल किया, एक दलित को वोट दिया, क्या मैं खास तौर से मेरठ कैराना सहारनपुर और बागपत सीटों की बात करूं तो राशिद भाई मुकाबला बहुत कड़ा हो गया, या मैं ये कहूं कि बीजेपी को कोई कसके झटका लग सकता है। संजय सर मैं आपकी दूसरी बात का जवाब पहले देना की कोशिश करता हूं। ये जो ठाकुर साहब जब हारे सरधना से, उस वक्त एक यहां पर आईपीएस हुआ करते थे, उनका नाम भी चलिए मैं बताई देता हूँ चूंकि सारी दुनिया को मालूम है, केशव मिश्रा, उनसे के ये विधायक साहब विधायक जी बोले ठाकुर साहब जो अब नहीं रहे संगीत सोम के, आप एक बात बताइए आपको सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ,
मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि मैं जमीन पर टहल रहा था। मैं जिस बूथ पर जाता हूं, चूंकि सरधना के अंदर आज भी बूथ कैप्चरिंग होती है ठाकुर साहब के अंडर में, ये पूरा शहर जानता है और पूरा वहां का इलाका जानता है। तो केशव साहब ने कर क्या रखा था, मेरे भी अंदर के सूत्र थे, उन्होंने इनकी बेसिकली मोबाइल की जो है ना रूट पकड़ रखा था, पता करते थे कि ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं। संगीत सोम जिस बूथ पे जाते थे पीछे से पहुंच जाते थे, अच्छा हम भी भाग रहे थे इनके पीछे। आखिरकार दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, छह पे जब ये चले गए तो ठाकुर साहब बोले कि एक बात बताइए, मेरे पीछे लगे हुए हैं आप, आपको कुछ कोई टिप मिली है क्या? बोले नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इतना ज्यादा उछले, बहुत ज्यादा हॉट टॉक हुई उस समय। यहाँ पर जो SSP हुआ करते थे अजय सैनी होते थे, हमें अंदर तक के सूत्र हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंस। उन्होंने फिर कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब ने फोन करके कहा, SP ग्रामीण थे वो, कि आप शहर में आ जाइए। तब जाके वो चुनाव पूरा का पूरा संजीव बालियान पे आरोप लगता है, कोई हम पर अधिकारी तो है नहीं, लेकिन वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पर जो प्रशासनिक लोगों को ठाकुर साहब के पीछे लगाया था वो संजीव साहब ने लगाया। तो वो जो टीस है ना पूरी। अच्छा दूसरी खबर मैं आपको ये दे दूं कि सरदाना से लेके पूरे मुजफ्फरनगर के कई जगह की खबरें मेरे पास हैं, वीडियोस भी मेरे पास हैं, ठाकुरों की बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं और वो इस बात में इतने नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व काटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ तक की बात शुरू होती है वहां पर। दूसरी बात, मैं मेरठ की बात अगर आपसे कहूं, मेरठ में तो आज मेरे पास वीडियोस तमाम मौजूद हैं, श्री राम जी का भी विरोध हो गया, तमाम लोगों ने बिल्ले बैनर लेकर के वो निकले। यहाँ मेरठ में जगह है पल्लवपुरम, वहां पर जब वो पहुंचे तो इकट्ठे होके महिलाएं और तमाम लोग और वहां पर आ गए और आकर के उनका जो है बहुत ज्यादा बहिष्कार किया। अब बहिष्कार क्यों हुआ, लोगों को लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर एक बंदे हैं वो भी शहर अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये भाजपा के अंदर जो शहर अध्यक्ष होता है इसकी पोजिशन ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरे नेताओं, वो भी टिकट की लाइन में थे। अब आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने बाकायदा लोगों को लगा दिया। और आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ, ये श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले अरुण गोयल जी खड़े हैं और वहां पर उनका विरोध चल रहा है और महिलाएं और तमाम लोग आ गए, इनको यहां से भागना पड़ गया। यानी कि हालात ये हो गए हैं पश्चिम के अंदर, ठाकुरों की जमातें चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, यहाँ पर टिकट वितरण कुछ इस प्रकार से हो गया अति उत्साहिता में कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले की परेशानी हो रही है। अब आ जाता हूँ मुजफ्फरनगर। देखिए किसी भी तरीके से घूंट पी करके जयंत चौधरी ने कह दिया था कि आप संजीव, मुझे तो हैरत है कि संजीव बालियान का नाम कैसे ले दिया उन्होंने मंच पे, लेकिन मजबूरी रही होगी, उन्होंने कह दिया कि आपको इसी तरह से जिताना है। लेकिन वो जो हार थी ना 4,500 वोटों की, और संजीव बालियान का मैं 2014 की बात, 2019 की बात करता हूँ सर, कि जब वहां मोदीपुरम एक जगह है यहाँ सिवाया टोल के पास, तो प्रधानमंत्री जी की रैली वहीं पर थी, वहां पर सब जैम तो हो जाता है, तो वहां लोग जो आने वाले थे वहां लोग थे कम। अब वहां पे इन फ्रंट ऑफ द सीनियर लीडर्स संजीव बालियान को यह दिखाना था कि मेरी पोजीशन कितनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा यार यहाँ तो लोग आए नहीं, जितने लोग सारे मुजफ्फरनगर के हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले वो जाटों की जो लैंग्वेज होती, अरे जो मुजफ्फरनगर के जरा हाथ उठाइए, और सबने हाथ ही उठा दिया सर। तो वो वाकई उन्होंने इकट्ठा करके दिखाया था, तो उन्होंने उस वक्त भी साबित कर दिया था। अच्छा कोर वोट देखिए, बनिया वोट सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में, जाटों की जो बात कही जाती है वहां 12% जाट है सिर्फ, लेकिन चूंकि वर्चस्व है, इनके अंदर एक लीडरशिप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो संजीव बालियान ने वहां जमीन ऐसी बना दी है कि उन्होंने इशारा शायद ये दे दिया होगा कि जयंत चौधरी यहाँ आएंगे और परेशानी क्रिएट होगी, लिहाजा भगवान इनको दूरी रख दी जाए। यहाँ ठाकुरों का बहुत जबरदस्त वोट मिलने वाला नहीं है किसी सूरत में भी। दूसरी बात, जाटों के अंदर सिर्फ जो इनका कार्यकर्ता रह गए वो बेचारे बागपत में कुछ कर देंगे या बिजनौर में कुछ कर देंगे, वरना हालात ये हो गए कि जाटों के अंदर वो कह रहे हैं असमंजस में, कह रहे हैं किसान होके सोचते हैं हम, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, हम जाट होके सोचते हैं जब हमारी समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं, ऐसी स्थिति पैदा हो। इतना देखिए मैं एक बार सच है संजय सर कि यहाँ जमीन बड़ी नाजुक, मतलब अच्छी बना दी थी, हिंदुत्व का गढ़ कहा जाता है ये पूरा भारतीय जनता, लेकिन ये जो अजीबो गरीब इनके अति उत्साहित में इनसे कदम उठाए गए ना, उसमें इनकी समझ में नहीं आया कि करें क्या, इन्होंने ज्यादा मीठा कर दिया, इन्होंने खीर में मीठे की जगह ज्यादा मीठा कर दिया, ये हुआ जी। ये बात तो बिल्कुल सही है राशिद जी, पुष्पेंद्र जी, राशिद जी ने तो बिल्कुल एक एक जगह की तस्वीर सामने रख दी। बड़ा सवाल फिर मैं पूछूंगा भाई, जाटों के बड़े नेता हैं चौधरी साहब, आपके पीछे फोटो लगी हुई है, आपको चौधरी साहब के अनुयायी हैं, आप उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके उनके पोते इस तरह का गुल खिला देंगे, इतना अपमानित हो जाएंगे, इतना बड़ा फिर मैं वो कहूँगा, मुझे बहुत ही मतलब आज मैं चूंकि
जैन भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी अच्छी मुलाकातें हैं, लेकिन मैं इसको होर्डिंग को देख देख के ना मुझे बड़ा खराब लग रहा है। इतने बड़े होर्डिंग, विशाल नरेंद्र मोदी जी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जयंत सिंह की संयुक्त विशाल जनसभा दिनांक 6 अप्रैल शनिवार समय 10 बजे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और दूल्हे गायब। भैया पुष्पेंद्र जी, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन पता जरूर होगा कि कहीं चवन्नी पलट तो नहीं रही है। नहीं, अब तो ये असल में ऐसी खोटी चवन्नी साबित हो गए हैं कि ये कितना ही पलटे, इनको कोई लेने कोई तैयार नहीं है। कल जो रैली यहाँ पर हुई है बागपत में, वहां की खबर भी मैं बता दूं। बागपत में जब से इन्होंने अमरपाल शर्मा जी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से, तब से सारे समीकरण यहाँ भी बदल गए। पहले ये लोग एक ही दूल्हा एक ही घोड़ा और भागा फिर रहा था, लेकिन अब वास्तव में दौड़ जो है बिल्कुल कांटे की हो गई है और जबरदस्त चुनाव लड़ने का तजुर्बा अमरपाल शर्मा जी के पास है। पहले पूर्व में विधायक भी रहे। और कल जो वहां रैली थी उसमें योगी जी भी थे और जयंत भी थे और सतपाल कमिश्नर साहब जो अभी सांसद हैं वो भी थे। अब सतपाल कमिश्नर साहब का यदि आप भाषण सुने 7-8 मिनट का, तो उसमें सारे भाषण में केवल वो ऐसा बताते रहे कि जैसे वो खुद प्रत्याशी है, और अपने कामों को गिनवाना कि भाई मैंने 5-5 हाईवे बनाए, मैंने पुल बनाए, मैंने अस्पताल बनाए, मैंने स्कूल बनाए, 10 साल पहले यहाँ क्या था, 10 साल पहले यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी, और यहाँ पर जुड़ा जो है किस तरीके से हमारे लोगों ने, आपने साथ दिया मेरा, आप लोग जो रैली में आते थे आपकी पिटाई भी होती थी, यानी कि आरोप लोकदल के कार्यकर्ताओं पे लगा रहे थे कि लोकदल के कार्यकर्ता आपके साथ बदतमीजी करते थे, आपको मारते पीटते थे, मेरे ऊपर भी हमले हुए, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। तो उन्होंने एक तरीके से साबित कर दिया कि जैसे कि उनका टिकट कटने से उन्हें बहुत ज्यादा जो है अंदर से गंभीर चोट लगी है, और केवल एक बार उन्होंने उनका नाम लिया कि भाई इनको भी, राजकुमार सांगवान को भी शुभकामनाएं, ये नहीं कहा कि भारी मतों से इनको जिताना है और आप सब लोग एकजुट हो जाए, इस तरह की बातें उनको कहनी चाहिए थी। और कहता है आदमी, एक्सपेक्ट भी यही करते थे राजकुमार सांगवान जी की, ये मेरा समर्थन करने आए, लेकिन उल्टे ऐसा लगा कि भाई साहब मैं तो बहुत बढ़िया था, मुझे जो है इन्होंने गलत हटाया है, बाकी तुम लोग अपना अपने हिसाब से देख लेना, ये मीनिंग उन्होंने कन्वे कर दिया। और उनके जो साथी समर्थक हैं, हमारी उनसे बातचीत होती रहती है, वो बताते हैं भैया हम तो घर लौट रहे हैं, ना तो ये हमें पूछ रहे ना हम इन्हें पूछ रहे, हमारा कोई लेना देना ज्यादा इनसे है नहीं, जैसा भी होगा हो जाएगा। ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के, जो भाजपा के कारण इनको मिल जाता, यदि कैंडिडेट जो मनोज चौधरी थे पहले समाजवादी पार्टी के जाट, तो वहां चला जाता, लेकिन अब ब्राह्मण इनकी तरफ लामबंद हो गया है अमरपाल शर्मा जी की तरफ, और जो नाराज जाट है वो भी इनके पास आएगा, और बाकी अन्य जातियां जो है वो, और जो सतपाल कमिश्नर साहब के या भाजपा के समर्थक है जो ये चाहते हैं कि इनकी जड़ यहां दोबारा से ना जमे। और सतपाल कमिश्नर साहब के बारे में बता दूं, उनका ये मानना है अंदर से कि साहब मैंने देखिए इनके पिताजी को हराया, उसके बाद ये स्वयं जैन चौधरी को हराया, तो भाई मेरे से बड़ा जाट नेता कौन है, किसान नेता कौन है, क्योंकि जो जड़ है जो 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 जहां से चौधरी चरण सिंह जी जीता करते थे, अब चौधरी साहब के बाद विरासत के ऊपर तो क्लेम इन्हीं लोगों का है, जब इन दोनों को मैंने हरा दिया तो मेरा ज्यादा बड़ा क्लेम है, तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने पूरी लंबी फहरिस्त अलग अलग मंत्रियों का नाम ले लेकर के, नितिन गडकरी का मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये बनवाया, उसने ये बनवाया, उसने रेल, हाँ अपने आप अपने लिए नारा भी दे दिया कि भाई लोग कहते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ यहाँ के जो विकास पुरुष है ये है, और बागपत का लाल डॉक्टर सत्यपाल, पूरा ये नारा चलता है, यहाँ मैंने जो ट्रेन चलाई उसको सत्यपाल ट्रेन लोग कहते हैं, तो इस तरीके से घोषित कर दिया जैसे मैं ही कैंडिडेट हूँ, मुझे ही वोट मांगना था। लेकिन देखो अफसोस है कि एक बुजुर्ग का उदाहरण भी दे दिया, एक बुजुर्ग मुझे मिलाता रोता हुआ बोला भाई मुझे बड़ा अफसोस है मैं आपको वोट नहीं दे पाऊंगा, मतलब आप कैंडिडेट होते तो मैं वोट दे देता, लेकिन क्योंकि आप कैंडिडेट नहीं तो मैं वोट नहीं दे पा रहा। तो ये जो सारी सारा ड्रामा हुआ हुआ मुझे पक्का लग रहा है अब कि भाई निश्चित रूप से इनके समर्थक वहां चले जाएंगे, तो यहाँ तो एक दूसरे की काट ये लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से हाल मुजफ्फरनगर में भी हो रहा है, क्योंकि इनका प्रभाव वास्तव में मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर, यहीं पर इनकी कहानी सिमटी हुई है, बाकी जगह इनका कोई खास ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मुजफ्फरनगर के अंदर भी यही ये इनके अंदर टीस है कि इन्होंने हमारे पिताजी चौधरी अजीत सिंह को जो है 6,500 वोट से, वो भी बेईमानी से जो आरोप लगते हैं, हराया, तो भाई साहब अंदर अंदर इन्होंने भी इशारा कर रखा है जो मुझे पता है,
कि साहब इसको जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़ावा देना है, इसको यहीं पटक नहीं मार दो, मेरी तो मजबूरी है इसके गीत गाने की मंचों पे आकर के, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा इनको समर्थन दो, यहाँ इनकी स्थिति खराब है। और जिस तरह विरोध संजीव बालियान का ठाकुर समाज में, सैनी समाज में, प्रजापति तो कैंडिडेट है, एक त्यागी समाज का कैंडिडेट है वहां पर उतार दिया त्यागी समाज ने, उनका विरोध है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और चंदन चौहान का खेल आज खुद ही खराब कर दिया। अरे सूबे के मुख्यमंत्री है भाई, उनका कार्यक्रम है, वैसा ही कोई कार्यक्रम होता तो चलो पेट दर्द का, गाड़ी का, या किसी का बहाना बन के आप कर देते, वहां पर आप नहीं पहुंचे तो वहां भी खराब इंप्रेशन हो गया उसका, हल्का पड़ गया कैंडिडेट आज के बाद। वहां पर समाजवादी ने सैनी कैंडिडेट दे दिया, जो उनका वोटर मुख्य रूप से भाजपा का होता था वो वोट नहीं मिलेंगे। बसपा ने वहां जाट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जाट भी इनके पास जाते राष्ट्रीय लोकदल की वजह से वो नहीं मिलेंगे। तो बड़ा दिलचस्प है, वो भी वहां हार सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तीनों सीट यदि हारे तो ये समझ लीजिए मंत्री मंत्री ये जो है यूपी में नहीं बचेंगे, इनको बिल्कुल घर बिठा दिया जाएगा कि भाई साहब आपके पास तो कोई वोट ही नहीं है, आप ना किसी को जितवा पाए, आप अपने कैंडिडेटों को जिताने की स्थिति में नहीं है, या थोड़े मार्जिन से जीते। अब भी इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली है। जी तो पुष्पा जी, एक बात और है, आप किसी भी परिस्थिति से नहीं पहुंच पाए, कोई परेशानी आ गई, आजकल तो हर बड़ा नेता ट्विटर पर ट्वीट करता है कि भाई मुझे ये समस्या आ गई, ऐसे राशिद भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बुलाए तो राशिद भाई 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे, तो वो अजीत सिंह के पुत्र हैं, वो हेलीकॉप्टर जयंत के लिए आधे घंटे में आए, तो कोई परेशानी थी, ट्वीट तो करते कि ये समस्या है कुछ ना कुछ तो देखिए, इसका मतलब पक रहा है पुष्पेन जी, कुछ तो खेल हो रहा है। खेल तो सादा है कि दिल्ली से ही तो चले प्रधानमंत्री, दिल्ली से ही चल रहे हैं जयंत चौधरी, तो अगर प्रधानमंत्री ये सिग्नल जब देना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मैं सीट जीतूंगा, वो तो उसको साथ में हेलीकॉप्टर में बिठा कर ला सकते थे, ये कौन सा मना कर देते कि भाई मेरे साथ चलोगे, हम दोनों उतरेंगे मंच पर, चढ़ेंगे एक साथ, हाथ खड़े करके सब सिग्नल देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का इशारा था बहुत ज्यादा इस आदमी को आगे नहीं बढ़ाना है, हर जगह मंच पर इसको ले नहीं जाना है। मुझे तो आशा ये थी कि ये 4-5 जिले जो पड़ते हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, यहां पर ये रहेंगे मेरठ तक, नीचे तो इनको वैसे भी नहीं ले जाने वाला था कोई ब्रज क्षेत्र में, लेकिन अभी देख रहा हूं कि वहां पर भी इनका पत्ता साफ हो गया है। जब गाजे बाजे के साथ आप ट्वीट कर देते हैं कि भाई कल इस कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके बाद ये बात भी खत्म हो जाती है कि भाई पहले से ही इशारा नहीं था तो हमने तो कोई कुछ कहा ही नहीं था, हमारा प्रोग्राम ही नहीं था। जब वहां प्रोग्राम है उसके बावजूद भी, और अनाउंस आपके ट्विटर हैंडल से हो चुका है आपको नहीं बुलाया जा रहा है, या आप वहां हाजिर नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये पुनर्आकलन किया गया है कि इनकी बहुत आवश्यकता है, इनको हर जगह बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको जरा शांति से अपना ठंडे होकर रखिए। तो ये एक दूसरे के खिलाफ अलायंस ये ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ, चाहे बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो या बिजनौर हो, ये एक दूसरे के खिलाफ कांट छांट कर रहे हैं, और इसके परिणाम तीनों सीटों को हारने की रूप में भी आ सकता है। जी राशिद जी, मुझे कल मैंने हरियाणा के वीडियो देखे, दुष्यंत चौटाला एक ताकतवर नेता, काफी प्रभावशाली नेता, किसानों ने वहां पे गांव के बाहर गाड़ी खड़ी कर ली, ले लेके लठ हाथ में आ गए, और वो नारे लगा रहे थे कि तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो गांव वाले उनको दौड़ा रहे हैं, यानी हिसार का, सोनीपत का, दोनों जगह ऐसे ही है, सोनीपत का। तो क्या राशिद भाई इस बार जाट बिरादरी, या मैं कहूं कि किसान बिरादरी, जो पिछले दिनों लगातार ये किसान के संग बढ़ता हुआ, 800-900 किसानों की शहीद हो गए आंदोलन के बाद, हरियाणा में पिछले दिनों दिल्ली आ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस, लाठी, बर्बरता, तो किसानों ने कहा तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। क्या जयंत चौधरी को क्या प्रति भी अब ये भाव समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा छोरा हमें ही दगा दे गया, और एक कहावत भी है, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट, इस कहावत को लेके बड़े मुकदमे भी हो गए, कहावत क्यों कही गई, लेकिन कहावत तो पुष्पेन जी ने मुझे सिखाई थी ये, कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो जाटों का चेहरा, जाटों का सिरमौर कोई चरण सिंह का वारिस वो भूल जाए, और उसको फिर मंच पे अपमानित किया जाए, तो मुझे लगता है जाटों के भी बड़े नेताओं ने कर दिया, कोई छोरे भाई सुन ले एक बात साफ साफ, ये तो बिरादरी की बात है, ये जो बेइज्जत हो रहा है ना मंच पे, ये जान ठीक ना है, मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ भाषा बोलने की, सही बात, लेकिन अगर ये भाषा है
जाट समुदाय के बड़े लोगों की, तो जयंत अब करेंगे क्या? अब वो चवन्नी कहाँ जाएगी? ये प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात आपकी बातों से मेरे मन में आई। एक शायर था पाकिस्तान का, सरायकी लैंग्वेज होती है, मैं सरायकी कबीला भी है, तो उसने हमेशा सरायकी में की है, लेकिन उर्दू की एक दो गजल थी उसकी, उसने यह कहा कि जब शाह के इशारे पर अपनों में नियाजें बढ़ती हों, जब बादशाह के इशारे में अपने अपने लोगों को मिलता हो, जब शाह के इशारे पर अपनों में नियाजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारो की हसरत का नजारा करती हों, जब कलमे जाबिर जालिम की अजमत का कसीदा लिखती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से कहते हो खामोश रहो। तो असल में ये छोटे छोटे नेता भी संजय सर इस बात को पहचान गए कि ये अपने अपने लोगों में नियाजें बांटते हैं, तो लिहाजा हमारी जहां जरूरत होती है हमें ले लेते हैं, जब हमारी जरूरत होती है हमें फेंक दिया जाता है, होता है ये। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बड़े बड़े विश स्पीकर सारे के सारे जो है ना, मैं कह सकता हूँ वो कहते हैं ना कि वो पीने के बाद जो है ना वो शंकर कहलाए, क्या कहते हैं, नीलकंठ कहलाए। आप जहर पी लो, आपको जो है ना मूवी बनाने की इजाजत नहीं है, आप सिर्फ अपना एक्सक्यूज देते रहना कि मुझे मेरा क्लिनिक याद आ रहा है, मुझे मेरा क्रिकेट याद आ रहा है, ये कह सकते हो, ये नहीं कह सकते, जो हम तुम्हें गुट्टी दें वो मान लें। तो जयंत चौधरी भी ऐसे हो गए, लेकिन अब जयंत चौधरी चूंकि भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं, उनको इस वाले एटमोसफेयर का पता नहीं है कि उनकी कहाँ जरूरत है, उन्होंने बाकायदा अपनी तैयारी कर रखी थी तमाम चीजें, लेकिन वहां पता चला कि नहीं आपकी जरूरत नहीं है। और हकीकत एक बात और भी है संजय सर, ये प्रधानमंत्री जी से गलती काम हो गया परसेप्शन बनाने के चक्कर में, वरना इस वाली पट्टी का सारा जाट 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप लोक नीति का उठा के देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का अजीत सिंह के नाम पर इन पे आ जाता वो बात अलग है, लेकिन वो भी तो एक ही मसला था, ये तमाम जाट यहाँ जो ये हरियाणा, राजस्थान दक्षिण और उत्तर प्रदेश का पश्चिम, इन तीन तरह के जाट चौधरी चरण सिंह के समय में हुआ करते थे एक जैसे, अब तीनों अलग हैं, परवर्ती से बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ के जाट तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को देते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं जयंत चौधरी के नाम पर भी छक्का मार देंगे तो इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जैसा झटका लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। संजीव बालियान इस बात को जानते हैं, उन्होंने इस बात को कन्वे किया होगा गारंटेड कि साहब इनकी कोई ऐसी बड़ी हैसियत नहीं है, आप मुझसे बड़ा जाट क्यों मान रहे हो, मैं हूं यहाँ सबसे बड़ा जाट। अब उनकी हालत हो गई है बेचारों की, तो अब यही बात हुई है, वरना ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको इसको गारंटी से कह सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता डिजिटल के इस दौर में कि प्रधानमंत्री जी की बैठक में आपको बुलाया गया हो और आप ना आए, ऊपर से इशारा था। और अब बात यह है कि अब जमीर जिंदा है तो आप अपने जमीर को सुन लीजिए, वरना देखिए एक बात मैं बताऊं, चौधरी चरण सिंह की जो बात आप इस सीट की बात कर रहे हैं, इस सीट पर भी ऐसा समीकरण बन गया है कि वो शर्मा जी को उतार करके, किसी जमाने में डॉक्टर मेहराजुद्दीन होते थे, उन्होंने अजीत सिंह को हरा दिया था समाजवादी के टिकट से लड़ करके, सोमपाल शास्त्री लड़े थे, यहाँ अच्छी खासी पंडितों की वोट है जो वाकई कमिटेड था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन इस बार अखिलेश यादव एक अजीबो गरीब बैटिंग कर रहे हैं, मुझे उनकी तो कह सकता हूँ, मैं किसी जमाने में सोच रहा था कि इनको अपर समाज में वोट देना चाहिए टिकट, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने 50% जो इनके कब्जे में वोट था, अति पिछड़ा और ये तमाम इन लोगों को जो उन्होंने वोट दे टिकट दे करके उतारा है, मेरठ की कंडीशन ही बदल दी है, यहाँ श्री राम का बंदा लेकर आए लेकिन वो बेचारा हार के कगार पे जा रहा है। अतुल प्रधान अपना बहुत ही प्रिय दोस्त है उनका, उसको हटा दिया उसने, हेलीकॉप्टर से योगेश वर्मा को यहाँ भेजा और यहाँ के समीकरण उलट गए, बागपत के समीकरण उलट रहे हैं। और जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है तो मुजफ्फरनगर के अंदर भी इतना मजबूत कैंडिडेट है उनका कि वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप उसे किसी प्रकार से कम मानेंगे, क्योंकि वहां लगभग वहां मुसलमानों का वोट बहुत मजबूत है और दलितों के वोट अगर मिल जाएंगे तो तमाम सीटें बदल जाएंगी। लेकिन बहरहाल बात फिर वही है, इन्होंने जब देखा जयंत चौधरी ने कि अपने अपने लोगों में नियाजें बांट रहे हैं तो अब क्या करें, बेइज्जती इतनी कहां से है, इसी वजह से वो नहीं आए। उन्होंने सोचा कि यार ऊपर से इशारा भी हो गया, छोड़ो भी अब क्या करें, कपड़े उपड़े रखें इसे एक तरफ रखो, देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन खराब कर ली, ये बात हकीकत है। जी पुष्पेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में आपकी बातें सुनने का और जयंत चौधरी की चवन्नी के रुख देखने के लिए इतनी उत्सुकता है कि 45 मिनट हो गए, मैं देख रहा हूँ कि लगातार 23,000-22,000 लोग लगातार आपको सुन रहे हैं। मैं अभी मेरी टीम ने एक पर्ची ला के दी, आज तक के लाइव को 2,500 लोग देख रहे हैं और आपको 23,000 लोग सुन रहे हैं, तो वो सब आज पुष्पेंद्र जी के दिल की आवाज़ को निकालना चाहते हैं, पता सब है आपको। क्या बाल्यान ने जयंत को निपटा दिया या जयंत ने बाल्यान को निपटा दिया, खेल क्या है,
जाट बिरादरी का खेल आसानी से समझ में नहीं आता। नहीं देखिए संजय जी, ये तो जो है मेरठ की रैली में ही प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया था कि हम जयंत चौधरी को संजीव बालियान से छोटा नेता मानते हैं, और ये सहर्ष उन्होंने वहां स्वीकार भी कर लिया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है सीटिंग अरेंजमेंट वहां क्या है, प्रधानमंत्री जी के राइट में और लेफ्ट में कौन बैठा है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। वहां सीटिंग अरेंजमेंट जो था वो एक तरफ सीधे हाथ पे जो है प्रधान योगी जी बैठे थे और लेफ्ट साइड पे उनके प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, उसके बाद एक नेता और बैठे थे, उसके बाद इनका नंबर था, फिर जो है भाई संजीव बालियान थे और उसके बाद जयंत चौधरी थे। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट से पता लग गया कि जयंत चौधरी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है। दूसरा, जब माला पहनाई जाती है उससे पता लगता है कि माला के अंदर कौन है, या चलिए माला को पकड़ने वाला नजदीकी आदमी कौन है, उसमें भी कहीं ना कहीं भी ये जयंत चौधरी दिखाई देते। तीसरा, जब हल पकड़ाया गया तो भाई मुझे तो बड़ा दुख हुआ उस दिन, हल जब पकड़ाया गया और हल पकड़ाने के लिए सब लोग खड़े हो गए और लास्ट कोने पर जो है वो थे संजीव बालियान जी, तो इन्होंने ऑन कैमरा 2 बार उनके पीठ पे थपकी मारी, क्योंकि ये पीछे खड़े हुए थे जयंत चौधरी, कि भाई कुछ नंबर मेरा भी तो आने दो, मान लो कह रहे हो उनको। जब उन्होंने थपकी 2 बार मारी तो उन्होंने फिर यूं पीछे देख करके फिर इनका हाथ पकड़ के और थोड़ा सा हाथ छुआ दिया हल के ऊपर। जब स्पीच उन्होंने दी जयंत चौधरी ने, 2 बार उनकी टुकाई हुई के शॉर्ट कर दीजिए, और इनको तो आशा थी कि भाई जोर शोर से चौधरी चरण सिंह जी का मैं पोता हूं, मेरा कोई जो है उनका फोटो भी उसमें नहीं था, चौधरी साहब का था। तो इस सब चीजों से सिग्नल ये चला गया कि बहुत ज्यादा तवज्जो इनको नहीं देनी है। और अब ये कार्यक्रम था, अब प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो ये पूर्व नियोजित होता है कि भाई कौन कौन आ रहा है, किस किस की घोषणा होगी, ये सारी चीजें वहां रही होंगी। आज जो सहारनपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जब वहां योगी जी मौजूद है, प्रधानमंत्री जी मौजूद है, इनसे पॉलिटिकली ज्यादा बड़ा पद तो किसी का भी नहीं है। दुनिया भर ही जाती है कि भाई प्रधानमंत्री वाली रैली में मैं मंच पर रहूं और आसपास रहूं, तो इनको बिल्कुल घोषणा होने के बाद, ये एक टैक्टिस भी है प्रधानमंत्री की, बड़ी अच्छी टैक्टिस है कि जब घोषणा हो जाए और घोषणा में ये भी अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा कर दें कि मैं कल को प्रधानमंत्री की संयुक्त रैली में जाने वाला हूं, उसके बाद इसको नहीं बुलाएंगे तो इसका क्या हाल होगा। अब मैं कहना नहीं चाहता, उस पशु से इनकी तुलना भी नहीं कर रहा, लेकिन बस धोबी का डैश ना घर का ना घाट का वो। ये ले लीजिए, कहते ही पुष्पेंद्र जी का नेटवर्क भी थोड़ा गड़बड़ा गया। मुझे ये तीनों बताइए राशिद भाई, ये इतने इतनी इतनी खतरनाक चीज़ है। पुष्पेंद्र जी आपका, आपने जो कहा बस कहीं तुरंत नेट बंद हो गया, आपका अपने आप देख लीजिए इतना करंट है हाँ, जनजीवन में। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इनके साथ बहुत बुरा हो गया है ये, और इनको संजीव बालियान तो कल परसों के हैं, कोई खास ज्यादा उनका बहुत बड़ा तजुर्बा या बहुत बड़े आंदोलन या बहुत बड़ी विरासत नहीं है, उनसे इनको छोटा दिखाना। प्रधानमंत्री जी की रैली में घोषित ना होने के बाद योगी जी मौजूद है, प्रधानमंत्री मौजूद है, अन्य लोग मौजूद है, इनका घोषणा होना, ट्विटर हैंडल पे जाना, उसके बाद इनको ना बुलाया जाना या इनका ना जाना, तो कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा हुआ है। और अब लेम एक्सक्यूज जिसको कहते हैं, गाड़ी खराब हो गई, अरे गाड़ियों की तो लाइन लग जाती है। प्रधानमंत्री जी यदि इनका कद, किसी का कद बढ़ाना हो ना, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत टैक्टिस है, वो उससे ज्यादा देर तक हाथ मिला लेंगे, उसकी पीठ पे हाथ घुमा देंगे उसको। आपको दो तीन वीडियो है, एक चंद्रबाबू नायडू जब उस सीट पर नहीं बैठ रहे थे, उनके बगल में उन्होंने हाथ खींच के अपने बगल में बिठाया, ये वीडियो पूरा वायरल है। एक माला में अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार जब बाहर थे तो उन्होंने खींच करके माला में उनको ले लिया, तो ये तो 2 मिनट में कहते भाई इनकी कुर्सी वहां क्यों लगाई है। वो भी वीडियो वायरल है, नीतीश कुमार को खींच के माला में लिया और राजनाथ को माला से बाहर करा दिया, बाहर कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको बाहर करना होता है ये बाहर कर देते हैं, जिसको लेना होता है ले लेते हैं। इनको मालूम है किसका कद बढ़ाना है, किसका कद घटाना है, किसको इग्नोर मारना है और किसको तवज्जो देनी है। तो इन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि इससे कोई मतलब, ये एक तरीके से ना हानि के है ना लाभ के, ना हमें जाटों की वोट ऐड कर रहे हैं, हम अपने आप भी वैसे जीत रहे थे, 2 सीटें इनको दे दी दिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि वास्तव में भाजपा वाले ही इनको दोनों सीटों पर हराने का काम कर देंगे ताकि ये परमानेंट घर बैठ जाए। ये मैं वास्तविक बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चाल में फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने किस प्रेशर में आके यहाँ गठबंधन किया, क्या इनकी कैलकुलेशन थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बुरी तरीके से हर जगह फंस चुके हैं। दूसरे वाले इनको लेने वाले नहीं है, ये वाले इनको तवज्जो नहीं दे रहे, और इस चीज को देख करके जो जाट है
हमारी बातचीत होती रहती है। अब लोग ट्विटर पे भी और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, इसके साथ ठीक हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था, जो आदमी धोखा दे के भागे। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी जो 2-3 दिन पहले रैली हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसने उन्होंने कहा मैं जो है पलटा नहीं हूं साहब, मैंने पटकनी मारी है। अरे भाई एक बात बताइए, दो मित्र तीसरे से लड़ने जा रहे हैं, आप बगल वाले कोई के ऊपर ही गोली चला दो, इसको पटकनी कहते हैं क्या? इसको धोखा कहते हैं, इसको पीठ में खंजर भोंकना कहते हैं। इसकी वजह से आपके 8-9 MLA जीते, आप राज्यसभा गए, आपने जो है उसके साथ खड़े होकर के ट्विटर पे सब चीजें आ गई कि 7 सीटें मिलने जा रही है, आप छोड़ के भागे, आपने पटकनी मारी है। इसको जयचंदी कहते हैं, इसको धोखाधड़ी कहते हैं, और जाट इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अव्वल तो उसके साथ नहीं जाना था तो आप मत जाते, शुरू से ही मत जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप वहां चले गए, उसके बाद आप यहाँ चले गए, आपने पटकनी नहीं मारी, आपको पटकनी लग चुकी है, और पटकनी कौन मारेगा? जो खुद बैसाखियों पे हो वो पहलवान दूसरे को क्या पटकनी मारेगा? जिसको पटकनी लग चुकी है और जो साबित हो रही है एक एक कदम पे, चाहे मेरठ में हो चाहे सहारनपुर की आज की घटना हो, इससे साबित हो रहा है इनको पटकनी लग चुकी है, ये चित्त पड़े हुए हैं। चित्त पड़ा हुआ पहलवान ये कह रहा मैंने पटकनी मार दी साहब। अरे तुमने पटकनी नहीं मारी, तुम्हें पटकनी लग चुकी, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तुम्हारी हालत क्या बुरी होने वाली है ये मैं कल्पना कर सकता हूँ। आपको आज पीठ पे थपकी मारनी पड़ रही है संजीव बालियान के, भाई थोड़ा बात मेरा भी हाथ लगवा लो भाई, मैं भी तो हूं यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ। इस तरह की हालत इनकी हो गई है, और इस हालत को देख करके जाट, बहुत सारे जाट है वो प्रसन्न है कि चलो ठीक हुआ, इसका इसका यही इलाज होना था जो हो गया। और ये जो आपके व्यूअर है ना, उनमें से एक व्यूअर ये खुद भी होंगे इस टाइम, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि इनके पास मेरे व्हाट्सएप से इनके पास सीधा चला जाता है जो भी मैं भेजता हूँ, जैसे आपके पास आता है, एक व्यूअर ये स्वयं भी है कि भाई आज तो आज आप जवाब देते इनको नहीं बन रहा है। मजे की बात ये, आप दर्शक देख रहे होंगे, मैं बार बार झुक के जो देख रहा था, मैं वो देख रहा था, चूंकि 4 PM प्रधानमंत्री के कार्यालय में मॉनिटर होता है, मुख्यमंत्री का भी होता है, अमित शाह जी का होता है, तो मैं देख रहा था कि जयंत चौधरी का ट्वीट आ तो नहीं गया इतनी देर में सफाई के लिए कि मैं क्या। और मुझे लगता है कि यकीन है कि जो हम लोगों ने चर्चा करी है, ये चर्चा इस समय तक बीजेपी में खेमे में हड़कंप मचा चुकी होगी, मुझे गारंटी लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी रात तक शायद इस पे कोई सफाई जयंत चौधरी की तरफ से आ भी जाएगी। क्या लगता है राशिद भाई? दो बातें पूछूंगा आखिर में आपसे कि क्या वास्तव में सफाई आ जाएगी, दूसरा ये पुष्पें जी इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के क्यों आज जयंत की हालत खराब कर रहे हैं? संजय सर, अभी पुष्पेंद्र जी ने एक बात कही, माफी चाहूंगा, मुझे शेर बहुत याद आ रहे हैं आज। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके मुंह से शेर सुनने, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अखिलेश यादव के साथ जब इनका फोटो देखा, और अखिलेश यादव जी की पत्नी ने कहा, जब बात ये चल रही थी कि जा रहे हैं, कि नहीं वो एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम उनको बता दें, कितना इज्जत और कितना सम्मान मिल रहा था वहां। आंख जो होती है, आंख से निकलने वाले अश्क को कहते हैं, अश्क होता है वो आंसू, हिजरत कहते हैं दूर जाने को। तो शेर इस पे ये है जनाब मन, कि मेरी आंखों से वो हिजरत ज्यादा शख्स, मेरी आंखों से निकला हुआ वो गया हुआ शख्स, मेरी आंखों से वो हिजरत ज्यादा शख्स ऐसी मजबूत पनाहों को तरसता होगा। अखिलेश यादव जैसी मजबूत पनाह मिली थी बराबर में खड़ा होके, आप 2 सीट कह, 3 मांग रहे थे, 5 कह रहे, 7 सीटें आपको दी, उनकी धर्म पत्नी आपके बारे में कह रही है, और वहां संजीव बालियान आपकी लिगेसी के सामने 4 दिन का नेता आपको पीछे कर रहा है, तो आपको वो मजबूत पनाहों को तरसता होगा। मुझे बात ये याद आ गई, एक बात मैं और कहूंगा, वो शायद मैं पहले आपके सामने पहले अर्ज भी कर चुका हूं, ये 2022 में जब दोनों साथ आए तो मेरठ में मैं इतनी दूर था जितनी दूर मैं आपके सामने हूं, तो मैंने अखिलेश जी से एक सवाल किया, अखिलेश जी ने इसमें कोई दोराई नहीं, मेरा हौसला बढ़ाते हुए मेरी तारीफ की, फिर ये जवाब नहीं दे रहे थे जयंत चौधरी। मैंने इनसे ये कहा, मैं कहा जयंत जी एक बात सुनिए आप हमारी, मैं बड़ा तेज आवाज में बोलता हूँ इनसे जब सामने आ जाते हैं PC वगैरह में, मैंने कहा आपको मालूम है आपके दादाजी ने ऐसे कहा, संजय सर यकीन मानिए मेरे पास वीडियो है, बल्कि मैंने चलाया भी था, मैंने कहा आपके दादाजी ने इनके पिताजी को पहली बार MLC बनाया था, और मैंने कहा अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव से मैंने कहा अध्यक्ष जी आपके पिताजी ने इनके दादाजी की मूर्ति लगवाई थी प्रांगण में विधानसभा के, आप यकीन मानिए इनको शायद ये बात मालूम नहीं थी, और ये अखिलेश यादव से खुसुर पुसुर करने लगे। तो उस सवाल तो कुछ और था, बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इस समय जब आपको इतना सम्मान मिल रहा था,
आपको सर पे बिठाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो समाज 2012 से एक पर्टिकुलर पार्टी ने बांट कर रख दिया था, जाट और मुस्लिम, अखिलेश यादव की मेहनतों ने और आपकी भी मेहनतों ने उसको जोड़ कर रख दिया था। बड़े बेहतरीन नजारे हैं मेरे पास अलीगढ़ से लेके मथुरा और मथुरा से लेके मुजफ्फरनगर और तमाम बुलंदशहर, जहां हिंदू मुस्लिम के बड़े बड़े लोग बुजुर्गवार इकट्ठे होकर के, आप यकीन मानिए 2012 का वो जख्म खत्म कर बैठे थे। आपकी जरा सी लालच की वजह से वो फिर वो वर्गीकरण पैदा करने की कोशिश की आपने, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन आप आपसे हो तो गया ना। अब आपको क्या हुआ, आपको रातों रात कह दिया गया नहीं अपने परेस हुए कपड़े आप अपने पास रखिए फिर किसी टाइम देखेंगे, क्या फायदा हुआ उससे। जी ये बात मैंने इसलिए कह दी कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वो हमारी बात सुन रहे होंगे, तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं भी बता दूं ये बात कि आप सुन लीजिए ये बात। जी जी पुष्पा जी सुन रहे होंगे आपकी बात, इसलिए राशिद जी भाई देखिए, बता दी। बहुत शेरो शायरी तो हमें नहीं मालूम, शायद पूरे शेर की आधी लाइन में आ रही है कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे पूछे से तेरे हम पूछे निकले। से हाँ, आगे क्या है लाइन वो तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन निकलना आज और बुरी हालत निकलना जो खुल होगी। जी, कर दीजिए, पूरा कर दीजिए राशिद भाई। खुल्द कहते हैं जन्नत को, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, मगर बड़े हाँ, बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ आज सबसे ज्यादा हालत खराब हुई होगी चंदन चौहान की। जो बेचारा कहते तो ना, फंस चंदन चौहान को काटो तो खून नहीं। अब गया। योगी जी ने तो कह दिया होगा कि यार इतना छोटा नेता तो मैं भी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे प्रचार में यहां बैठा हूं और तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां गायब है। सही बात है, एक वो नेता के नाने से चुनाव बिगड़ जाता है। सही बात है, राष्ट्र आप मैसेज घोषित भूल गए। कर दें कि यार एक बार बताओ यार, उसे कम से कम प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था। चलो प्रधानमंत्री ने इशारा कर भी दिया हो, कम से कम आप अपना कैंडिडेट, तुम राष्ट्रीय लोकदल के हो, मैं तुम्हारे यहाँ प्रचार में हेलीकॉप्टर लेकर समय देके आ रहा हूं। अगर उसे नहीं आना था, मैं तो अपने कैंडिडेट का प्रचार करता। एक बात है, दो बिल्कुल मिनट ठीक में बड़े नेता हवा निकाल देते हैं, तो इनकी है, हालत बिल्कुल खराब हो गई होगी कि यार अब क्या करें। उसने तो तो मेरा तैयारी चुनाव ही खत्म कर करके दिया, और वास्तव में उनका चुनाव जो है लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक ये बात है। आज पूरा 1 घंटा हो गया, जब सबने शेयर किया तो आखिर में मैं भी शेयर सुन लूं कि सुनाई देता हूँ, मुझे भी मतलब मुझे भी शेयर ज्यादा राशि चाहिए जितने नहीं आते। लेकिन वो है ना कि वो शख्स जब नजर से उतर गया, वो शख्स जब नजर से उतर गया, क्या फर्क पड़ता है फिर वो किधर गया। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ पुष्पेंद्र जी, राशिद जी, आपने समय दिया, पूरा 1 घंटा मैंने आपका खराब किया, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे चवन्नी के पलटने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है कि जयंत बाबू गए तो गए कहाँ, नौजवान नेता हैं इस तरह गायब कहाँ हो गए, प्रधानमंत्री की रैली में नहीं, योगी जी की रैली में नहीं, क्या चवन्नी पलट रही है? आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।